नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष्ट न्यूज चैनल। चंबल घोष्ट न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसमानी आफत के कारण चंबल नदी ने रौद्र रूप धारण किया। जिले के 120 से अधिक गांव हुए पानी पानी, कच्चे पक्के मकान हुए धराशाही, मकानों की छतों पर ग्रामीणों ने ली शरण। ग्रामीण बोले, फसल से लेकर सब कुछ हुआ बर्बाद। पिछले साल आई बाढ़ में हुए नुकसान का आज तक नहीं मिला कोई मुआवजा। प्रशासन द्वारा, सेना एवं SDRF द्वारा राहत बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में गिरी आसमानी आफत ने धौलपुर जिले के 120 से अधिक गांवों को पानी पानी कर दिया है। जिला प्रशासन ने सेना एवं SDRF के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया है। 100 गांवों की विद्युत आपूर्ति काट दी गई है। बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। सैकड़ों बीघा खरीफ भी फसल की पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो चुकी है। चंबल घोष की टीम ने आज राजाखेड़ा उपखंड के चाड़ियान का पुरा, अंडवा पुरैनी समेत अन्य गांवों की जमीनी हकीकत जानी तो देखा कि खेतों में करीब 20 फीट पानी में फसल, पेड़, विद्युत पोल डूब चुके हैं। गांवों के रास्तों से लेकर मकानों में पानी भर गया है। ग्रामीणों ने अपने मकानों की छत पर गृहस्थी का सामान रख जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चंबल घोष को बताया कि 2 साल से चंबल की बाढ़ में फसल से लेकर गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया था। सरकार ने सर्वे भी कराया लेकिन आज तक कोई भी मुआवजा उन्हें नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया, अब की बार चंबल की बाढ़ का गांव में अधिक पानी आया है जिसमें फसल से लेकर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बता दें, चंबल नदी अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 146.25 मीटर गेज पर पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी है जो अब तक के इतिहास का सबसे अधिक जलस्तर है। विशेषज्ञों की माने तो चंबल नदी का जलस्तर सबसे अधिक वर्ष 1996 में पहुंचा था। 1996 में चंबल नदी 145.54 मीटर गेज को छूकर निकली थी। जल स्तर का इतना गेज 1996 से पहले कभी नहीं पहुंचा था। करीब 25 साल बाद 2021 में चंबल नदी का जलस्तर वर्ष 1996 का रिकॉर्ड तोड़कर 145.70 मीटर तक पहुंच गया है। जिले के सरमथरा उपखंड इलाके की झिरी पंचायत सहित करीब एक दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उसके अलावा धौलपुर के मोरौली, बीछिया, बसई नीम, कामरे का पुरा समेत डेढ़ दर्जन गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजाखेड़ा उपखंड इलाके के चाडियान का पुरा, अंडवा पुरैनी, छीलपुरा, गुनपुर, टिकटपुरा समेत 3 दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खेतों में खड़ी फसल, पेड़ और विद्युत पोल पानी में डूब चुके हैं जिनमें करीब 20 फीट तक पानी की आवक हो चुकी है। लोगों ने नदी के पास ऊंचे ऊंचे टीलों पर बुजुर्ग महिला एवं बच्चों को सुरक्षित किया है। जिला प्रशासन ने सेना और SDRF द्वारा राहत बचाव का कार्य शुरू किया है। पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से पानी में गिरे हुए लोगों को स्ट्रीमर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ में फंसे कुछ परिवारों को खाने पीने की मुसीबत हो रही है। ग्रामीणों के मवेशी को भी सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। सैकड़ों बीघा खरीफ फसल बर्बाद हो चुकी है। चंबल नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार एवं ज्वार की फसल बर्बाद हो चुकी है। विगत 2 साल से चंबल के किनारे बसे गांव के ग्रामीणों की फसल बाढ़ आपदा की चपेट में आती रही है लेकिन वर्ष 2022 की बढ़ने करीब फसल को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। खेत पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। खेत में 20 फीट पानी होने पर खरीफ पूरी तरीके से डूब चुकी है। विगत 22 अगस्त को थाना निहालगंज क्षेत्र के कैंत्री रिसोर्ट के पास रात को एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए धौलपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यहां उसकी अवस्था को देखते हुए उसे बाहर के लिए रेफर कर दिया गया। बीती रात युवक ने उस अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुरुवार सुबह उसके शव को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। थाना निहालगंज पुलिस के ASI बहादुर सिंह ने बताया कि 22 अगस्त को एक सड़क दुर्घटना में नरेंद्र पुत्र राजेंद्र रावत निवासी कास्तपाड़ा घायल हो गया था, जिसका उपचार जयपुर में चल रहा था, जिसने रात को दम तोड़ दिया, जिसका पोस्टमार्टम गुरुवार को कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया और मामले की जाँच जारी है। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक एवं धौलपुर जिला कलेक्टर
धर्मेंद्र सिंह कछियारी पर चंबल के हालातों से जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आगमन के लिए हेलीपैड का जायजा करते हुए उनके साथ में राजाखेड़ा SDM देवी सिंह जी एवं राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर एवं दिहौली थाना अधिकारी बीधाराम जी सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। गुरुवार सुबह नदी पार करते समय एक युवक नदी में डूब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके शव को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अमित पुत्र महेश परमार, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी चौधरीपुरा थाना देहौली, अपने गांव के कुछ युवकों के साथ रोजाना गड़ाइच घाट के पास खुले मैदान में कसरत करने जाते थे। गुरुवार को भी गाँव के कई लड़के गड़ाइच घाट पर गए और रोज की तरह नदी में कूद गए। इन दिनों सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण ये नदी भी उफान पर थी। अमित भी नदी में कूदा था, अचानक वो भंवर में फंस गया और पानी में डूब गया। उसके साथ लड़कों ने उसके शव को नदी से निकाला और धौलपुर चिकित्सालय में ले आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अमित की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। चिकित्सालय में परिजन रोते बिलखते नजर आए। सरमथुरा विधानसभा के बरौली गांव की घटना। अब तक कई पशुओं की जा चुकी है जान। गांव बरौली में नहीं है पशु चिकित्सालय में एक महीने से कोई भी डॉक्टर। सरमथुरा के उपखंड ग्राम पंचायत बरौली में पशु चिकित्सालय में नहीं है एक महीने से कोई भी डॉक्टर। लोग कर रहे हैं गौ माता का इलाज। समाज सेवी धीरेंद्र उर्फ धुरी ने बताया कि एक गाय घायल उसको देख कर तुरंत अपने साथियों के साथ उसका इलाज किया। उसमें कीड़े मरहम पट्टी की और घास पानी की व्यवस्था की। बसेड़ी का पूरा बाजार बंद रहा। दो युवाओं की मौत से बसेड़ी तहसील में मची शोक की लहर। बहुत दुखद घटना। हिमांशु परमार उर्फ गोलू पुत्र जसवंत सिंह ठेकेदार पूट का पुरा एवं भोलू परमार पुत्र तारा सिंह परमार बसेड़ी, रात सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई। जन्मदिवस का सामान लेने के लिए आगरा के लिए गए थे। आगरा से लौटते समय रास्ते में हाईवे पर अचानक अनियंत्रण होने के कारण थार गाड़ी खाई में पलटने से हुई दो लोगों की दर्दनाक मौत। भोलू परमार पुत्र तारा सिंह JLN कॉलेज बसेड़ी का आकस्मिक निधन होने से बसेड़ी तहसील में शोक की लहर के चलते बसेड़ी कस्बा का पूरा बाजार बंद रखा। बाजार बंद होने से किसान हुए परेशान। राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में छात्र निर्वाचन को लेकर महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी के निर्देशन में आज महाविद्यालय के कार्मिकों के द्वारा चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महाविद्यालय में छात्रों के मतदान के लिए दो बूथ बनाए गए हैं। बूथ संख्या एक में BA पार्ट तृतीय व BA पार्ट प्रथम सेक्शन एवं बूथ संख्या दो पर BA पार्ट सेकंड व BA पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए के छात्र अपने मत का प्रयोग करेंगे। छात्रों के लिए सुविधाजनक मतदान करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिगेटिंग कराई गई है। छात्र छात्राओं की मतदान के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है, ताकि अनावश्यक भीड़ ना हो। छात्र संघ चुनाव में कॉलेज की वैध परिचय पत्र होने पर ही छात्र मतदान कर सकेंगे। गौरतलब है कि राजकीय महाविद्यालय सैपऊ में 478 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 186 छात्र एवं 292 छात्राएँ हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि गर्मी और बारिश की संभावना को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता अपने मत का प्रयोग सुगमता से कर सकें। छात्रों को निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से मतदान करने को कहा गया है।